hello student, this is pankaj jaman faculty member of sbs law college Ganga Nagar. today we are going to start a uh, next topic of the transfer property act 1882 and we are going to discuss the question number 3 the rule against the double possibilities एंड हाउ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर टू द अनबॉर्न चाइल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफर प्रॉपर्टी का एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे आज वो है कि क्या एक अनबॉर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है बिकॉज सेक्शन फाइव में आपने पढ़ा कि प्रॉपर्टी जो है सिर्फ लिविंग पर्सन में ही ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन फाइव के अकॉर्डिंग साफ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए टू लिविंग पर्सन होने चाहिए द प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू द अनदर लिविंग पर्सन ये आपने पढ़ा तो फिर सेक्शन थर्टीन और फोर्टीन जो है इस पॉइंट के क्या है अपवाद हैं एक्सेप्शन हैं इट मीन्स कि एक अनबॉर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है देखिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में तो साफ लिख दिया है साफ क्लियर है कि कहीं पे भी प्रॉपर्टी जो है एक नॉन लिविंग पर्सन को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है लेकिन सेक्शन थर्टीन जो है इसका अपवाद है इसी को हम समझेंगे क्वेश्चन आपके पास क्या है कि ये रूल डॉक्टरिन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी क्या होता है और डॉक्टरिन अगेंस्ट द डबल पॉसिबिलिटी क्या होता है और अनबॉर्न पर्सन uh, को या चाइल्ड को कैसे प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र की जाती है इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आप देखें तो एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जा सकती है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है अनबॉर्न है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो सिंपल वर्ड्स में पहले आपको मैं बता दूं हम सीधा जो है ट्रांसफर ऑफ फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन ही चलेंगे उसके बाद जो है आपको रूल डॉक्ट्रीन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी एंड डॉक्ट्रीन ऑफ अगेंस्ट द डबल डबल रूल अगेंस्ट द डबल पॉसिबिलिटी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तो पहले हम ये समझेंगे कि अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जा सकती है तो देखिए मान लीजिए मैं आपको पहले थोड़ा सा सिंपल तो समझाने की कोशिश करता हूँ मान लीजिए एक पर्सन है ए वो जो है प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर करना चाहता है जो कि अभी क्या है अनबॉर्न है तो अनबॉर्न को वो सीधा प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर नहीं सकता क्योंकि जिसको वो दे रहा है वो तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा इंटरमीडिएटरीज बनाने पड़ेंगे यहाँ पे उसको पहले प्रॉपर्टी बी को देनी है अब मान लीजिए बी मैंने यहाँ पर टू इंटरमीडिएट्स ले लिए हैं एक भी हो सकता है अभी और उसके बाद उसको प्रॉपर्टी जो है सी को देनी है इसको डी मान लीजिए आप अनबोर्न को डी मान लीजिए तो फिर उसने प्रॉपर्टी सी को देनी है और फाइनली वो प्रॉपर्टी डी को दे सकता है अब ये कैसे पॉसिबल है देखिए ए जो है डायरेक्टली डी को तो प्रॉपर्टी दे नहीं सकता क्योंकि वो अनबॉर्न है इसके लिए उसको पहले लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा वो अपनी पहले प्रॉपर्टी बी को देगा देगा और उसको बोलेगा कि आप अपने लाइफ टाइम तक इसको होल्ड करेंगे और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो एक सी को अपॉइंट करेगा कि वो बी के बाद सी को उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बोलेगा फॉर द लाइफ टाइम और जैसे ही जहाँ पे डी की बर्थ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी फाइनली जो है अनबॉर्न चाइल्ड जो कि डी है उसको मिल जाएगी तो यहाँ पर जो दो बीच में है ये इंटरमीडिएटरीज है ये

देने तो उसने बी सी पहले ही डिसाइड कर लोगे तो जैसे बी की डेथ हो जाएगी तो वो सी को उस प्रॉपर्टी को फॉर द लाइफ टाइम होल्ड करने के लिए बोलेगा और अल्टीमेटली जब फिर डी की बर्थ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी जो है डी को कंप्लीटली चली जाएगी तो इनके पास प्रायर इंटरेस्ट है और लिमिटेड इंटरेस्ट है कि ये प्रॉपर्टी को सिर्फ सिर्फ होल्ड करेंगे अब डी के पास जो है कंप्लीट इंटरेस्ट जाएगा वो प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी अब वो उसको फुल्ली इंजॉय कर सकता है वो इनकी तरह इसको सिर्फ होल्ड ही नहीं करेगा ये बेच भी सकता है या कुछ भी कर सकता है इस तरीके से ए जो है डी को अपनी <coughs> प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है और अनबर्न पर्सन को प्रॉपर्टी जो है दे सकता है अब इसको सेक्शन थर्टीन और फोर्टीन में बताया गया है सेक्शन फोर्टीन में हम जो है रूल अगेंस्ट द दर्पोचुनिटी जिसको हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे पहले हम जो है अनबोर्न पर्सन जो कि सेक्शन थर्टीन में डिफाइन है इसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अब इसका कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट कैसे बनाना है सेक्शन थर्टीन क्लास फाइव ऑफ द रूल अगेंस्ट द डबल पॉसिबिलिटी ये आपको मैं समझाऊंगा क्या है जब आपको अनबॉर्न पर्सन का सारा समझ में आ जाएगा तो डबल पॉसिबिलिटी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू इट ट्रांसफर कैन बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन द ऑरिजिनल टैक्स से तो कैसे होगी सेक्शन थर्टीन बताता है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर एन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर तो एक ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है जहाँ पे ट्रस्ट जो ट्र, इंटरेस्ट जो किसी पर्सन को दिया जा रहा है वो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने की डेट पे मौजूद नहीं है नॉट इन एग्जिस्टेंस है सब्जेक्ट तो ऐसा हो सकता है कैसे हो सकता है सब्जेक्ट टू द प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द गे। सेम ट्रांसफर इसके लिए उसको पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया जो इंटरमीडिएटरीज जो है बी और सी वो क्रिएट करने पड़ेंगे द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट और उसके बाद जब जिसको आप प्रॉपर्टी देने चाहते हैं आप उस वो तब तक वो प्रॉपर्टी जो है ये जो ये जो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर है तब तक वैलिड नहीं होगी तब तक जब तक आप उसको जो है कंप्लीट रिमेनिंग इंटरेस्ट नहीं दे देते हैं तो यहां पे दो चीजें निकल के सामने आती हैं मैं जो आपको पहले यहां पर बताता हूं द ट्रांसफर मस्ट बी सब्जेक्ट टू द प्रायर इंटरेस्ट तो आपको पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी पहले जो है कुछ पर्सनस को देनी पड़ेगी जो कि उसको फॉर द टाइम बिंग होल्ड करेंगे सेकेंड और जिसको आप फिर लास्ट में अनवॉन्ड पर्सन को जिसको प्रॉपर्टी देने जाते हैं उसको आप कंप्लीट रिमेनिंग इंटरेस्ट देंगे उनको लाइफ टाइम होल्ड करने लिए नहीं बोलेंगे उसको कंप्लीट इंटरेस्ट जो है आप वहां पे ट्रांसफर करेंगे अगर ऐसा होता है तो फिर जो है ये प्रॉपर्टी जो है एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है

देख सकते हैं आप कैसे ए वांट टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ डी ए जो है प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है डी को देना चाहता है हु इज अनबॉर्न एट द प्रेजेंट तब तब तक तो वो क्या है अनबॉर्न है इफ डी बॉन्स देन ही इज द सन ऑफ सी अगर सी पैदा होता है तो डी uh, पैदा होता है तो वो सी का बेटा होगा एंड ग्रैंडसन ऑफ द बी तो वो ग्रैंडसन का क्या होगा यहाँ पे uh, जो है ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडसन होगा तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि आप जो है अपने ग्रेट ग्रैंड सन को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं ये सन आपका ये ग्रैंड सन है और ये आपका ग्रेट ग्रैंड सन है जो कि अभी अनबॉर्न है और हो सकता है सी और बी भी, भी अन जो है होंगे तो अब यहाँ पे आप इसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं जैसे यहाँ पे हेयर ए के नाउट ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ डी बिकॉज ऑफ ही इज अनबॉर्न तो यहाँ पे ए जो है डी को प्रॉपर्टी तो दे नहीं सकता क्योंकि वो अनबॉर्न है सो ए कैन ट्रांसफर फॉर अ बी तो अब वो है पहले क्या करेगा प्रॉपर्टी जो है बी को देगा और द लाइफ टाइम फॉर लाइफ टाइम एंड देन सी फॉर द लाइफ टाइम एंड लाइफ एंड फाइनली ट्रांसफर टू द डी और प्रॉपर्टी फाइनली जो प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर हो जाएगी हेट द बेनिफिट ऑफ बी एंड सी विल बी कॉल्ड यहाँ पर बी और सी को जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो सिर्फ वो बोला जाएगा प्रायर इंटरेस्ट और जो डी को बेनिफिट दिया जा रहा है वो बोला जा रहा है कम्प्लीट इंटरेस्ट तो यहाँ पर बी और सी को आप प्रॉपर्टी इसलिए दे रहे हैं ताकि ये प्रॉपर्टी एलिमिली डी को मिल सके तो आपने प्रॉपर्टी होल्ड आप क्योंकि डायरेक्टरी तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि एक पार्टी वहाँ पर जो है आप किस को देंगे तो आपको मिडियो मिड� इंटरमीडिएटरी यहाँ पे बनाने पड़ेंगे जो कि उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे उसके बाद कोई और पर्सन भी बना सकते हैं और फाइनली जो है प्रॉपर्टी डी को जो तो ये बी और सी जो है प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ होल्ड करेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं प्रायर इंटरेस्ट बोलते हैं अब यहाँ पे आपके पास

फेवर ऑफ बी करेगा उसके आने के बाद वो उसके को ही जाएगी फिर जो है आगे वो किसी को पर्टिकल प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है किसी और अनबॉर्न पर्सन को, को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती जिस अनबॉर्न पर्सन को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उसको आप सारी प्रॉपर्टी जो है विदाउट एनी कंडीशन देंगे तो वो उसको बेच भी सकता है उसको सिर्फ उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है वो उसका कंप्लीट इंजॉयमेंट जो है वो कर सकता है द ट्रांसफर डन इन द फेवर ऑफ डी कैन नॉट बी टिल लाइफ ऑफ डी If सच एक्ट is डन तो उस जब D को जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसको आप लाइफ टाइम के लिए नहीं दे सकते हैं अगर आप उसको भी उस अनवॉन को जिसको D को आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उसको भी सिर्फ लाइफ टाइम के लिए देंगे तो फिर ये जो है सेक्शन थर्टीन वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा और ये अगेंस्ट द रूल हो जाएगा सेक्शन थर्टीन और ये इलीगल हो जाएगा इन द सिंपल वर्ड इट मे भी स्टेटेड दैट द कम्पलीट रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर अनबर्सन ट्रांसफरी इज नेसेसरी टू बी डन तो यहाँ पर कंप्लीट इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा उसके बाद आप कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि अनवर्न पर्सन और उसके अनबोर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी हुई चलेगी तो एक ही अनबॉर्न पर्सन जो होगा उसी को प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगी और पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसके आगे अनबॉर्न पर्सन का कोई कंसेप्ट जो है नहीं आएगा तो ये दो कंडीशन आपके पास पूरी अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जाएगी फर्स्ट आपको क्या करना है एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना है और सेकंड प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद जो आपका अल्टीमेट बेनिफिशियरी होगा जिसको आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उसको फुल इंजॉयमेंट का राइट right देंगे मतलब उसको कंप्लीट रिमेनिंग इंटरेस्ट देंगे वो प्रॉपर्टी के साथ फुल इंजॉयमेंट उसकी कर सकता है बी और सी की तरह प्रॉपर्टी को सिर्फ होल्ड करने का राइट right नहीं रखेगा ये तो हो गया क्लियर अब आपके पास यहाँ पे डॉक्टरिन ऑफ डबल uh, पॉसिबिलिटी क्या है तो ये आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं देखिए डॉक्टर ऑफ डबल पॉसिबिलिटी है जो इंग्लैंड में चलता था और इंडिया में जो है ये नहीं एप्लीकेबल है तो इंग्लैंड में क्या रूल था जब भी मैंने आपको यहां पे बताया कि ए जो है बी uh, को प्रॉपर्टी देगा फिर सी को प्रॉपर्टी देगा और अल्टीमेटली अनबॉर्न पर्सन डी को प्रॉपर्टी जाएगी लेकिन इंग्लैंड में क्या होता था कि इस अनबॉर्न पर्सन के आगे जो अनबॉर्न पर्सन होगा उसको भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है लेकिन इंडियन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जिसको आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उसी को प्रॉपर्टी जाएगी उसके आगे जो अनबॉर्न होगा उसको प्रॉपर्टी नहीं जाएगी इट मीन्स कि आप इस अनबॉर्न पर्सन को भी जो है वो लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं लेकिन इंडियन रूल के अकॉर्डिंग आपको आपको इसी अनबॉर्न पर्सन को कंप्लीट रिमेनिंग इंटरेस्ट देना होगा उसके आगे वाले अनबॉर्न पर्सन को आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे अगर ऐसा करते हैं तो वो फिर अगेंस्ट द रूल हो जाएगा तो अब इंग्लैंड में क्या होता है कि इंग्लैंड में उस अनबॉर्न पर्सन को भी इस डी को भी इस डी को भी जो है वो लाइफ इंटरेस्ट दिया जा सकता है उसके बाद उसके अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी दी जा सकती है लेकिन इंडिया में जो है ये रूल फॉलो नहीं किया गया तो और यहाँ पे रूल बनाया गया रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी तो इंडिया में रूल अगेंस्ट द डबल पॉसिबिलिटी बना और ये बना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हुआ था भी बसी मिचेल के केसेस में ये डिसाइड हुआ गया कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर इसको क्या माना जाएगा वाइड मान लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि एक पहला अनबॉर्न पर्सन जो कि डी है हमारे एग्जाम्पल में और उसके बाद उसका भी अनबॉर्न पर्सन जो कि आगे मान लीजिए ई e है तो अगर डी के आगे आप ई e को भी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो फिर ये इलीगल माना जाएगा इसलिए रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज को बोला जाता है तो इंडिया में जो रूल है वो रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी ही है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है तो ए अगर डी को प्रॉपर्टी देना चाहता है तो बी और सी को वो क्या देगा लाइफ इंटरेस्ट देगा और डी को कंप्लीट इंटरेस्ट देगा डी के आगे कोई अनबॉर्न पर्सन ई नहीं हो सकता है अगर ये होता है तो इसको हम रूल अगेंस्ट इसको रूल ऑफ डॉक्टरिन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी बोलते हैं लेकिन इंडिया में नहीं चलता है तो इंडिया में रूल क्या बन गया रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी और इस डी को ही सारी प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थैंक यू सो मच